There are five things that can rock any theory-based exam. Hello everyone, I am Tushika Rawat and I have made this YouTube channel 4 years back. In these 120 plus days, I have made 70 plus videos, have engaged 1 lakh plus audience on YouTube and simultaneously created an enormous WhatsApp community with 25 different colleges groups and claimed as best YouTube channel for engineering students by the top rankers of different colleges and universities. इस वीडियो में आपको यूनिवर्सिटी के टॉप रैंकर्स आकर के अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जिसे हम मस्ट डू टॉपिक्स बुलाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में बेसिकली पूछे जाते हैं, जिसे हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बुलाते हैं। प्लस में आपको मिल रहे होंगे प्रो लेवल के नोट्स free in the description box and the links of the topic wise videos and previous year midterm exam paper. These are the top 5 things that any student can use to ace the exams. इस वीडियो में आपको सिलेबस बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पढ़ाया जा रहा होगा, तो इफ यू आर समवन हु हैज नॉट स्टार्ट स्टडिंग येट, देन टेक इट एज अ सेवियर। और अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, जस्ट रिवीजन पर्सपेक्टिव से आए हैं, तो टेक इट एज अ बून एंड जस्ट एस योर एग्जाम्स। द कॉन्टेंट ऑफ द वीडियो इज फाइनलाइज्ड बाई रिव्यूइंग द सिलेबस ऑफ मेनी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स, हेंस आई कैन से दैट द वीडियोस कॉन्टेंट विल रिजेंबल योर कॉलेज एग्जाम्स टू। And now I want you to finish the video not like a movie but like a savior. So just go and grab your pens and notebooks back and get started with the video. Till then, enjoy the content. Hello everyone, welcome back to the channel. So I'm Ananya and I'll be teaching you applied chemistry, जिसका आज हम यूनिट 2 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम दो पार्ट्स आते हैं यूनिट 2 के अंदर। एक आता है आपका फेज रूल और एक आता है प्लास्टिक्स। तो आज हम पहले फेज रूल को करेंगे फॉर पार्ट 1 एंड फॉर प्लास्टिक्स आई विल बी अपलोडिंग अ डिफरेंट वीडियो एज पार्ट 2। ठीक है, तो ये आपको पीडीएफ जरूर शेयर कर दिया होगा। इसके अंदर देखो, सबसे पहले आपको मस्ट डू टॉपिक्स बताए हैं। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी एग्जाम के लिए छोड़कर नहीं जाने हैं एट एनी कॉस्ट। ठीक है, सबसे पहले आता है फेज रूल होता क्या है, वो जो उसका मेन फॉर्मूला है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, टेक्टिक पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, इनको डिफाइन करना भी आ जाता है, कॉन्ग्रुएंट पॉइंट, पैटर्सन का प्रोसेस बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। वन कंपोनेंट सिस्टम है वाटर सिल्वर का, टू कंपोनेंट में लीड सिल्वर एंड जिंक मैग्नीशियम, फिर गिब्स फेज रूल, फिर ये पॉलीमर्स का है, पॉलीमर, एलडीपी, एचडीपी, विनाइल प्लास्टिक्स, इनके बीच में जो डिफरेंस आ जाता है। सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे फेज रूल को, जो कि दिया था आपके विलार्ड गिब्स ने। और फेज रूल का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू, जिसके अंदर योर एफ स्टैंड्स फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम, सी इज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, पी इज फॉर नंबर ऑफ फेजेस एंड टू तो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, ये आपका फेज रूल है जिसके अंदर से हम फेज को फाइंड आउट करते हैं। फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम वन फेज होता है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी टू होती है और कोई भी टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो अटेन किया जा सकता है। हम बेसिकली आपकी इस यूनिट टू के अंदर वन कंपोनेंट और टू कंपोनेंट सिस्टम्स को पढ़ रहे होंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब देखो यहाँ पे आपका जैसे गिवन है कि जो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो इंडिकेट करती है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम एंड आर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फॉर्मूला गिवन है 3a - r, जिसमें a जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और r जो है वो आपके नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बता रहे हैं, इंडिपेंडेंट रिलेशंस जो बनती हैं। द नेक्स्ट डिफाइन है आपका यूटेक्टिक पॉइंट का। यूटेक्टिक पॉइंट यानी कि जहां पे सॉलिड सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड मिक्सचर सारे सेम फेज में एग्जिस्ट कर रहे हो, यानी यूटेक्टिक पॉइंट आपका लोएस्ट टेम्परेचर है जिसके अंदर लिक्विड फेज स्टेबल है, उसके बाद जो फेज है वो वेपर फेज में बदल जाएगा। तो यूटेक्टिक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर सॉलिड का सॉल्वेंट, सॉलिड का सॉल्यूट, सॉलिड का सॉल्वेंट और लिक्विड मिक्सचर तीनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज योर रोटेक्टिक पॉइंट। नेक्स्ट इज कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, जो कि अकर करता है व्हेन द सब्सटेंस मेल्ट शार्पली एट कांस्टेंट टेंपरेचर इनटू लिक्विड ऑफ सेम कंपोजिशन।
Then Patterson's process, जिसमें it is a method for removing silver from lead discovered by Lee Patterson and patented in 1833. The process is dependent on the fact that lead, which has least silver in it, solidifies first on liquefaction, leaving the remaining liquid richer in silver. तो basically ये method है silver का remove करना lead से, जो lead है उसमें से silver को remove करने के process को Patterson process है. उसके अंदर सबसे पहले liquefaction होती है और उसके बाद जो remaining liquid है वो सिल्वर में रिच रह जाता है. अब आ जाते हैं आपके कंपोनेंट सिस्टम. सबसे पहले वन कंपोनेंट सिस्टम जो कि है वाटर सिस्टम. इसके अंदर थ्री फेसेस एग्जिस्ट करते हैं. एक आता है आपका सॉलिड फेस जिसमें आता है आपका आइस, दूसरा आता है वाटर वाला लिक्विड फेस, और तीसरा है आपका वाटर वेपर गैशियस फेस. वाटर वेपर ये देखो, ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहा है. वाटर सिस्टम पे क्वेश्चन आ जाता है, सल्फर सिस्टम पे लास्ट ईयर के मिड सेम में देखा होगा आपने, सल्फर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आया, तो इस बार वाटर सिस्टम पे आ सकता है या वापस से सल्फर आ जाए, कुछ कह नहीं सकते. बट हाँ, दोनों अच्छे से करके जाने हैं. ये आपका दिखाया गया है वाटर सिस्टम, ढंग से इसको समझना है. इसको समझने के बाद ही आपको क्लियर होगा कि एक्चुअल में वाटर सिस्टम क्या है. ठीक है, बेसिकली अब हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के हम कर्व्स लेंगे, जितने भी इसके अंदर कर्व्स बन रहे हैं, एरियाज बन रहे हैं, और उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि उस पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बन रही है. जैसे कर्व्स कौन कौन से बन रहे हैं, एक आपका बन रहा है ओ ए का कर्व, एक बन रहा है आपका ये ओ ए का कर्व, ये ओ बी का और ये ओ सी का, ये तीन कर्व्स बन रहे हैं आपके. ये देखो, अब सबसे पहला जो कर्व है आपका ओ ए का, वो बन रहा है वॉटर और वेपर के बीच में. ये देखो, यहाँ से ओ ए, ये जो ओ है जिस पॉइंट के ऊपर तीनों के तीनों आपके मिल रहे हैं, बी बी सी बी और ए बी, आपका ट्रिपल पॉइंट बनाता है. अब जो ओ ए का कर्व है उसको बोला गया है वेपराइजेशन कर्व, यानी कि इसमें कौन कौन सी दो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं साथ में, वाटर और वेपर दोनों साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं. सबसे पहले है आपका ओ ए का कर्व. जो ओ ए का कर्व है वो दिखा रहा है आपका वेपराइजेशन कर्व, यानी जिसके अंदर आ रहा है, ये देखो ये नीचे वाला वेपर है, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, तो ये बन रहा है आपका किसके बीच में, ये लिक्विड वाटर के बीच में और वेपर के बीच में. तो ये वेपराइजेशन कर्व है, इसमें दो फेजेस में एग्जिस्ट कर रहा है, एक आपका वाटर में और एक वाटर वेपर के अंदर. दूसरा है आपका ओबी कर्व, जिसको बोला गया है सब्लिमेशन कर्व, जो कि सॉलिड और वेपर के बीच में, जब सॉलिड से डायरेक्ट वेपर का होता है तो सब्लिमेशन होता है ना, तो सब्लिमेशन कर्व. इसके अंदर भी दो फेजेस हैं, एक सॉलिड आइस का फेज आपका और एक वाटर वेपर का. तीसरा है आपका ओसी, जो कि है आइस और वाटर का. ये देखो ये वाला फ्रीजिंग वाला जो कर्व है, सॉलिड के बीच में और लिक्विड के बीच में, लिक्विड वेपर था, ये सॉलिड वेपर था, ये वाला जो है सॉलिड वेपर, ये लिक्विड वेपर और ये सॉलिड और लिक्विड, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, ये फ्यूजन कर्व है, जिसके अंदर सी पे वो एंड होता है. इसके अंदर सॉलिड आइस और लिक्विड वाटर जो है वो कोएग्जिस्ट कर रहे हैं. फिर एरियाज तीन बनते हैं, एओसी, एओबी और बीओसी. जैसे बीओसी आइस दिखा रहा है, एओसी वाटर और एओबी वेपर. ये देखो, जो आपका एओबी है वो आपका वाटर दिखाता है, एओबी जो है, ये देखो यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन भी किया है हमने. बीओसी आपका आइस दिखा रहा है, एओबी वेपर दिखा रहा है. सबसे पहले बीओसी को देखेंगे, बीओसी दिस बीओसी मैंने पहले बता दिया है, ये आपका आइस रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एओसी है वो लिक्विड यानी वाटर वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो बीओए है या एओबीए की चीज है वो आपका वेपर को, यानी कि आपकी वाटर वेपर को रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ ट्रिपल पॉइंट, जहां पे तीनों के तीनों कर्व्स ओ ए ओ बी और ओ सी मीट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे ओ पॉइंट पे, वो आपका ट्रिपल पॉइंट है, जिसपे तीनों फेजेस जो है साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं. ये था आपका सारा का सारा वाटर सिस्टम, यानी वाटर सिस्टम में क्या क्या पता करना है आपको, सारे कर्व, सारे एरियाज, तीनों कर्व, तीनों एरियाज किस किस उसमें आकर कर रहे हैं, और ये प्रॉपरली ये डायग्राम ढंग से प्रिपेयर करके जाना है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका सल्फर सिस्टम. अब सल्फर सिस्टम भी एक वन कंपोनेंट सिस्टम है. इसके अंदर आपके आते हैं चार में, ये बेसिकली डिवाइडेड होता है. इसको अब हम ढंग से देखेंगे. जो ट्रिपल पॉइंट है सल्फर का, वो इंडिकेट किया गया है 1, 2, 3, 4 डायग्राम से. जो मोस्ट स्टेबल है वो होता है रोम्बिक फॉर्म. इसमें आता है आपका रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, लिक्विड और वेपर, चार आ जाते हैं इसके अंदर. उसमें बस तीन ही थे, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, नीचे वही गैशेस और यहाँ पे लिक्विड. बेसिकली क्या होता है, जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है वो आपका रोम्बिक फॉर्म है, जो कि हीट किया जाता है और स्लोली फिर वो रोम्बिक फॉर्म जो है वो मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट होता है. ये एक बनता है रोम्बिक का,
एक बनता है आपका रोम्बिक और मोनोक्लिनिक का, यानी एक बनता है आपका इतना कर्व, फिर आपका इस कंप्लीट कर्व का इतना पोर्शन जिसके अंदर दो आते हैं आपके, एक में रोम्बिक मोनोक्लिनिक, एक बार मोनोक्लिनिक और लिक्विड, एक बार मोनोक्लिनिक एंड गैसियस। जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज होता है जो गैस फॉर्म है वो डोमिनेट करता है, जो फर्स्ट ट्रिपल पॉइंट है द रोम्बिक सॉलिड मोनोक्लिनिक सॉलिड गैस फॉर्म को एग्जिस्ट करते हैं एक साथ। जो सेकंड ट्रिपल पॉइंट है ये देखो, ये दो दो ट्रिपल पॉइंट बनते हैं इसके अंदर, एक ट्रिपल पॉइंट वन और एक ट्रिपल पॉइंट टू। ट्रिपल पॉइंट वन के अंदर क्या क्या एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें सॉलिड है, मोनोक्लिनिक सॉलिड और गैस है। जो दूसरा वाला है उसके अंदर क्या है, मोनोक्लिनिक सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, उसमें रोम्बिक नहीं पहुंच पाता। और इस वाले के अंदर क्या नहीं आ पाया था आपका, लिक्विड नहीं आ पाया था। अब ये नेक्स्ट है एट द थर्ड ट्रिपल पॉइंट द मोनोक्लिनिक सॉलिड फॉर्म रोम्बिक सॉलिड फॉर्म एंड द लिक्विड सॉलिड फॉर्म, यानी जो थर्ड वाला है वो यहाँ पे है। ये तीनों, ये प्रॉपरली ग्राफ जो है इसका बनाना होगा आपको, जो कि कुछ इस तरीके से बनता है ये ग्राफ, ऐसे ऐसे टाइप में तीन ट्रिपल पॉइंट बनते हैं, वन टू थ्री, थ्री ट्रिपल पॉइंट है। जो थर्ड ट्रिपल पॉइंट है उसके अंदर क्या क्या आता है, रोम्बिक का सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और मोनोक्लिनिक, ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं। टेम्परेचर क्या बताया गया है और प्रेशर साथ में बताया गया है, क्योंकि जो एलिमेंटल फॉर्म है सल्फर का वो S8 होता है, यानी कि 8 एटम्स होते हैं सल्फर के एक मॉलिक्यूल के अंदर, यानी मोर देन वन सॉलिड फॉर्म इज नॉट कॉमन एंड व्हेन देयर इज ओनली वन सॉलिड फॉर्म फेज डायग्राम बिकम्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि सल्फर वाला जो है वो वाटर से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। आपने फिगर से भी समझ ही लिया होगा। अब आते हैं आपके टू कंपोनेंट सिस्टम, लीड सिल्वर और जिंक मैग्नीशियम। सबसे पहले हम लीड सिल्वर को ही डिस्कस करेंगे। जिंक मैग्नीशियम का जो मैंने नोट्स दिए हैं उसके अंदर दिया है, उससे आप पढ़ सकते हो। वैसे ऑलमोस्ट जिंक मैग्नीशियम और लीड सिल्वर ऑलमोस्ट सेम ही है टू कंपोनेंट सिस्टम का। लीड सिल्वर को मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। ये देखो, अब सबसे पहले है आपका एरिया ऑफ ACB। इसके अंदर सबसे एरियाज अलग अलग हैं। सबसे पहले ACB एरिया के बारे में डिस्कशन है। एक ही मेजर एरिया तो इसके अंदर एक ही बनता है, ACB। और जो कर्व्स बनते हैं वो बनते हैं AC का और BC का कर्व। जो ACB है ये एक सिंगल फेज है मोल्टन लिक्विड का, जिसके अंदर दो कंपोनेंट जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं। फेज रूल अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 निकल के आती है। फेज आपका 1 है और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 2 है। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर आपके, यहाँ पे देखो ये लीड मेंशन है, यहाँ पे आपका सिल्वर है, जो ये देखो ये चार पॉइंट में से डिवाइडेड रहता है। यहाँ पे आपका रहता है जो ये वाला है, यहाँ पे आपकी लीड है और यहाँ पे आपका सिल्वर है। यहाँ पे सॉलिड लीड और साथ में यूटेक्टिक है, और यहाँ पे सॉलिड सिल्वर और साथ में यूटेक्टिक पॉइंट है, जो इन दोनों के मिक्सचर से बना है। फिर नेक्स्ट आता है मेल्टिंग पॉइंट कर्व AC और BC का। सबसे पहले जो फेज डायग्राम है उसके अंदर A और B डिनोट करते हैं मेल्टिंग पॉइंट प्योर लीड का और प्योर सिल्वर का। जो कर्व AC है वो डिनोट कर रहा है आपका मेल्टिंग पॉइंट PB को, ये देखो AC कर्व। और जो आपका BC कर्व है वो डिनोट कर रहा है मेल्टिंग पॉइंट सिल्वर को, ठीक है। सॉलिड लीड और मोल्टन लिक्विड एक साथ, सॉलिड सिल्वर और मोल्टन लिक्विड। यूटेक्टिक पॉइंट जो है लीड और सिल्वर को डिनोट करता है पॉइंट सी से, जहां पे तीनों फेजेस जो है वो कोएग्जिस्ट करेंगे। जब हम इस पे फेज रूल लगाते हैं आपका रिड्यूस फेज रूल, तो उसके बाद आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें 0 निकल के आती है। दस जो यूटेक्टिक पॉइंट है लीड सिल्वर का वो इनवेरियंट है, जिसका मतलब है कि होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो कॉन्स्टेंट कंपोजिशन देता है, जिसको हम यूटेक्टिक पॉइंट ऑफ लीड एंड सिल्वर बोलते हैं। Now, according to Gibbs phase rule, जो two component phase system है, a fixed temperature enjoy करते हैं one independent degree of freedom के साथ। तो ये था आपका last system two component वाला lead और silver का। तो तीन system अभी हमने discuss किए, zinc और magnesium का आपको notes में मिल जाएगा, वहां से आप cover up कर लेना उसको। वैसे ज्यादा chances हैं कि one वाला component system ही आए, पिछली बार mid-sem में 2023 वाले में अभी जो last हुए थे उसके अंदर, जो फर्स्ट सेम के बच्चों के लिए हुए थे उसके अंदर आपका सल्फर आया था। तो इस बार हो सकता है वापस से सल्फर आए, मे बी वाटर सिस्टम आ सकता है, तो उनको ज्यादा अच्छे से करना, इसको भी देख लेना अच्छे से, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कंपोनेंट सिस्टम भी आ सकता है, उसका हम कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज ऑलरेडी आपको चार ही गिवन है, तो चार में से आपको चारों के चारों ढंग से प्रिपेयर करने ही करने हैं, ठीक है। अब मैं इसके जरा मस्ट डू क्वेश्चन दिखा देती हूँ। प्लास्टिक्स हम नेक्स्ट पोर्शन में कवर कर रहे होंगे। देखो क्या आ जाता है मस्ट डू क्वेश्चन, स्टेट गिव्स फेज रूल या फिर डिराइव करके दिखाओ। एक्सप्लेन करना है फेज डायग्राम, स्टेट करना है गिब्स फेज रूल को, एक्सप्लेन करना है फेज डायग्राम, पेटिसन का प्रोसेस क्या है, CO2 सिस्टम एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वाटर सिस्टम। बेसिकली आपको CO2 का सिस्टम बनाना नहीं आएगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, आपको वाटर सिस्टम का ही दिया जाएगा। वाटर सिस्टम का बना दो, ट्रिपल पॉइंट की इंपॉर्टेंस क्या है वहां पे, ट्रिपल क्या क्या एग्जिस्ट करता है वो आपको बताना होगा।
और नंबर ऑफ फेजेस निकालने, यानी वही आपका फेज रूल को यूज करके अलग अलग मिक्सचर्स गिवन है उसका फेज निकालना। इनका डिफाइन आ सकता है फेज कंपोनेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन करो, कंडेंस्ड फेज रूल जो रिड्यूस फेज रूल बनता है उसको डिराइव करके दिखाओ, और ये क्यों टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए यूज किया जाता है, यूटेक्टिक मिक्सचर का क्या काम है, यूटेक्टिक मिक्सचर क्या करता है, कूलिंग कर्व्स क्या है, ट्रिपल पॉइंट क्या है, ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके मस्ट डू क्वेश्चंस के अंदर आते हैं फेज रूल के। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि ज्यादातर आपके स्मॉल क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन ऑब्वियसली आपको सिस्टम का ही पूछा जाएगा कि वाटर सिस्टम बताओ, सल्फर सिस्टम बताओ, लीड वाला बताओ या फिर जिंक मैग्नीशियम को बताओ, ठीक है। तो ये मस्ट डू क्वेश्चंस बहुत ढंग से कर लेना, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और इसके बाद आपका जो फेज रूल वाला पोर्शन है वो पूरा प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है आई विल बी अपलोडिंग फॉर प्लास्टिक्स, उसको भी ढंग से देखकर जाना, प्लास्टिक से भी क्वेश्चंस आते हैं एंड चॉइस में होता है प्लास्टिक्स वाला कर लो या फिर आप फेज रूल वाला कर लो, तो जो आपको बेटर समझ में आए वैसे आपको करके दोनों ही जाने हैं, बट एट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मतलब जब आप एग्जाम में बैठे हो तब आपको कौन सा सही लगता है वो आप पे डिपेंड करता है, आप उस हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट।